Hello my dear students, welcome to my YouTube channel Cosmic Forum by Lakshmi Narayan and Lakshmi Narayan Maths Faculty is my Facebook page. दोस्तों जैसा आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने कुछ समय पहले क्लास 11th का मैथ्स के वीडियो लेक्चर का सीरीज स्टार्ट किया था, जिसके बीच में मैंने चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किया था जिसका नाम सेट था. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेट के बेसिक के बारे में बताया गया था और आपको फील कराने की कोशिश की गई थी कि सेट का बेसिक मतलब क्या होता है. हमने आपको बताया था जिस तरह से हम अपनी डेली लाइफ में चीजों को इकट्ठा करते हैं उसी तरीके से हम लोग मैथमेटिक्स में भी चीजों को इकट्ठा करते हैं. डेली लाइफ में जो चीज हमारे काम की होती है, जो चीज हमें अच्छी लगती है, हम उसको इकट्ठा करते हैं. ऐसे ही मैथमेटिक्स में भी ये पता लगाने के लिए कि वो चीज अच्छी है या नहीं है, उसके लिए क्रम है. हमने आपको लास्ट टाइम डिफाइन करके बताया था, दैट वॉज वेल डिफाइंड. और हमने आपको बताया था ए रूल बाय विच वी आर एबल टू टेल वेदर द पर्टिकुलर थिंग बिलोंग्स टू कलेक्शन और नॉट. कहने का मतलब था हमारे पास एक कलेक्शन है, हम लोगों ने आंख मिच के उस कलेक्शन में से कोई भी एक चीज निकाल ली और अगर हम उस चीज को देख के ये बता पाए कि ये वाली चीज इस कलेक्शन का पार्ट है या नहीं, तो हम कहते हैं वो वाली चीज वेल डिफाइंड है. और अगर हम नहीं बता पाए तो वेल डिफाइंड नहीं होता. तो हमने आपसे बताया भी था द कलेक्शन ऑफ ऑल द वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट. इंग्लिश की अल्फाबेट में जितने भी वोवल्स होते हैं सबको इकट्ठा कर लो. आपको मालूम है ए ई आई ओ यू ये सारे वोवल्स हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको इकट्ठा कर सकते हैं. तो इन सबका कलेक्शन कैसा है, वेल डिफाइंड है, इसलिए इसकी कलेक्शन कैसी होगी, सेट होगी. उसके बाद हमारे पास है द कलेक्शन ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स. पहले 10 नेचुरल नंबर्स है ना, आपको मालूम है 1 से लेकर 10 तक है. अगर मैं आंख मीच के किसी को भी बाहर निकालू तो मैं बता सकता हूं कि वो 1 से 10 के बीच में नेचुरल नंबर होगा या नहीं होगा. इसका मतलब इसका कलेक्शन कैसा है, वेल डिफाइंड है, इसलिए इसका कलेक्शन भी कैसा है, सेट है. तो हम लोगों ने आपको डेफिनेशन दिया था ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट. ठीक है, तो हमने आपसे कहा था सारी कलेक्शन सेट नहीं होती, जबकि सारे सेट क्या होती है, कलेक्शन होती है. क्यों? क्योंकि वही कलेक्शन सेट बनाएंगी जो सारे के सारे सेट कैसी होंगी, वो सारी के सारी कलेक्शन सेट बनाएंगी जो वेल डिफाइंड होगी. सो ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट. ठीक है जी, आज हम लोग इससे आगे शुरू करने वाले हैं. ठीक है जी, तो हम इससे आगे शुरू करते हैं. देखिए इसके बाद आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है. नेक्स्ट आगे लिखिए ए सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट. ए सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट्स. जो सेट होता है, ए सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय इंग्लिश कैपिटल, या इसको पहले लिख लो बाय कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट्स. कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट जो एक सेट होता है, सेट को हमेशा कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है. जैसे हमारे पास ये लिखा कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल एफ, इस तरीके से जो एक सेट होता है सेट को हमेशा कैपिटल इंग्लिश के अल्फाबेट से डिनोट करते हैं. इसके बीच में जो भी कुछ होता है हम लोग उसको ऐसे लिख देते हैं. ए जैसे हमने लिखा था वोवल्स हैं, तो ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू. तो सेट ए में सारे के सारे वोवल्स थे, तो हमने सेट ए को लिख दिया कैपिटल ए, सॉरी कैपिटल ए इज इक्वल टू ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू. समझ में आ गया मैंने क्या कहा. जब हम लोग सेट के बीच में जो भी कुछ लिखा जाता है, जैसे हमने ये लिखा ए, तो आप लिखते हो जो ए है, ए इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए. जो स्मॉल ए है, स्मॉल ए इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए. या फिर आप लिखते हो स्मॉल ए इज ए मेंबर ऑफ सेट ए. जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए का क्या है, मेंबर है. या फिर हम लिखते हैं ए बिलोंग्स टू सेट ए. जो स्मॉल ए है वो सेट ए को क्या करता है, बिलोंग करता है. ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास एक सिंबल होता है किसका, बिलोंग्स टू का. बहुत काम की चीज है, ध्यान रखना आगे काम आएगा. ई टाइप की शेप होती है, ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है. जैसे हमने ये लिखा ए और यहां पे लिख दिया कैपिटल ए, तो जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए का क्या है, एलिमेंट है. अगर ये एलिमेंट है तो इसको क्या करेगा, बिलोंग करेगा. फिर सिमिलर तरीके से आप ओ लिखोगे, यहां कैपिटल ए लिखेंगे, यहां पे स्मॉल ओ है, यहां पे कैपिटल ए है. तो जब हम इसको लिखेंगे तो आप देखेंगे जो ओ है वो कैपिटल ए के बीच में बिलोंग करता है, तो इसके बीच में आ गया. अगर मान लो हम लोग एक्स की बात करते हैं और यहां पे मैंने ए लिख दिया, तो आप देखते हैं जो सेट ए है उसके बीच में एक्स कहीं पे कोई एलिमेंट नहीं है,
इसका मतलब जो एक्स हमारे पास है, एक्स हमारे पास ए में बिल्कुल बिलोंग नहीं करता। फिर हमारे पास वाई है, आप ए लिखोगे तो आप ऐसा लिखोगे जो वाई है वो ए के बीच में बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो अगर बिलोंग करता है तो सिंबल बना देंगे, और बिलोंग नहीं करता है तो बिलोंग इस वाले सिंबल को काट के उसके ऊपर एक लाइन लगा देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है किसी भी एक सेट को कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है, ए बी सी डी ई एफ लाइक इस तरीके से। जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारों को यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बीच में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे उसके मेंबर हैं, उसको बिलोंग करते हैं, या फिर जो है वो उसका क्या है, एलिमेंट है। बिलोंग्स टू का हमारे पास एक सिंबल है, जैसे ये था ए बिलोंग्स टू ए और जी ओ बिलोंग्स टू ए। जो एक्स है वो ए के बीच में नहीं आता इसलिए बिलोंग्स टू को काट देंगे, और जो वाई है वो भी ए के बीच में नहीं आता इसलिए वाई को भी हम लोग बिलोंग्स टू वाले सिंबल को काट देंगे, ठीक है जी। उसके बाद व्हाइल राइटिंग द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट टू थिंग्स आर केप्ट इन माइंड, ठीक है ना। व्हाइल राइटिंग द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, व्हाइल राइटिंग द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट टू थिंग्स आर केप्ट इन माइंड, दिमाग के अंदर हम लोगों को दो चीजों को बिठा के रखना है, ठीक है जी। सबसे पहली चीज क्या है, वन एलिमेंट इज रिटन ओनली वंस, वन एलिमेंट इज रिटन ओनली वंस। एक एलिमेंट को सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखा जाता है। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डू नॉट मैटर, जो एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। कहने का मतलब है एक एलिमेंट को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है और एलिमेंट का ऑर्डर मैटर नहीं करता, उसको आगे पीछे आप कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने आपसे बोला द कलेक्शन ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड इंडिया, इंडिया में जितने भी लेटर्स आते हैं आप उन सारे लेटर्स को इकट्ठा कर लो और उसी कलेक्शन को लिख दो। तो जब हम लोग उसको सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो मैंने सेट को कैपिटल एक्स से डिनोट कर दिया, क्योंकि आपको बताया था सेट को हमेशा इंग्लिश के कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। उसके बाद आएगा आई, फिर आप लिखोगे एन, फिर आप लिखोगे डी। आई जो है वो एक बार पहले आ चुका इसलिए हम लोग इसके बीच में आई को दोबारा से नहीं लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, ए, तो हमने इसको लिख दिया ऐसे करके। तो कहने का मतलब है जब भी हम सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे तो सेट के एलिमेंट्स में सिर्फ एक एलिमेंट को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा, दो बार नहीं लिख सकते हैं। दूसरी चीज, हमने आपसे बोला एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर मैटर नहीं करने का मतलब एन डी ए आई, चाहे आप ऐसा लिख दो चाहे आप इसको लिख दो आई डी ए एन, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप इसको डी ए एन आई ऐसा लिख दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चारों चीजें सेम है। तो कहने का मतलब है जब भी हम लोग सेट के एलिमेंट्स को लिखते हैं तो दो चीजों का दिमाग हमें अच्छे, दो चीजों का ध्यान हमें अच्छे से रखना है। सबसे पहली चीज है एक एलिमेंट सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा, और जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, उसको आगे पीछे ऊपर नीचे करके आप कैसे मर्जी लिख सकते हैं, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। अब हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं, बीच बीच में डेफिनेशन आती रहेंगी, क्वेश्चन से पहले मैं आपको सारी डेफिनेशन बताता रहूंगा, क्योंकि अगर मैं सारी डेफिनेशन इकट्ठी बता दूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। साथ साथ हम लोग करते चलेंगे। जैसे हमारी एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है, आप एक्सरसाइज के सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के देखिए। एक्सरसाइज के सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में आपसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेट्स जस्टिफाई योर आंसर, इसमें से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कलेक्शन है जो सेट बनेगी और कौन कौन सी नहीं बनेगी, आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, ठीक है। जैसे आप लिखोगे द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, सारे के सारे प्राइम नंबर्स का कलेक्शन, सारे के सारे प्राइम नंबर्स का कलेक्शन, आप ये बताइए इसका कलेक्शन सेट होगा या नहीं होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो हमारे पास था प्राइम नंबर, उम्मीद करते हैं सबको मालूम होगा, ठीक है। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसा नंबर, दोस नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, विच आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, जो नंबर अपने आप या वन से डिविजिबल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम।
जैसे हमारे पास है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस तरीके के जो नंबर हैं ये सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर्स है। या फिर आप उसको ऐसा भी कह सकते हो, किसी भी एक नंबर को किसी भी दो नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा इफ आइदर ए इज इक्वल टू वन, या तो ए वन होगा और बी इज इक्वल टू वन, देन एन इज प्राइम, तब एन जो होता है हमारे पास प्राइम होता है। जैसे हमारे पास 11 है, आपने 11 को लिखा 11 इंटू वन, तो इसके बीच में बी का वैल्यू 1 है, इसलिए नंबर कैसा है, प्राइम नंबर है। ऐसे हमने लिखा जैसे 12 है, अब 12 को लिखेंगे 2 इंटू 6, तो ना तो ये 1 है ना तो ये 1 है, इसलिए वाला नंबर क्या नहीं है, प्राइम नहीं है। अब आपके कुरा साथी दिमाग में ये नहीं चलना कि सर इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, भाई इसको लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन आप ये देखिए इसके पास तो कोई और अल्टरनेटिव था ही नहीं ना लिखने का, इसलिए आपको बेस्ट से बेस्ट ढूंढना है कि कहने का मतलब इसका तो सिर्फ एक ही था, है ना, तो इसके तो बहुत सारे हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम इसको ऐसे लिखते हैं तो ना तो ए का वैल्यू 1 है ना तो बी का वैल्यू 1 है, इसलिए वाला नंबर क्या नहीं है, प्राइम नहीं है। तो कहने का मतलब है कोई भी नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं हम लोग उसको देखते ही चेक करके बता सकते हैं। अगर वो 1 और अपनी टेबल से जाता है तब तो वो प्राइम है, अगर उसके अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल होगा तो प्राइम नहीं होगा। तो आप क्या लिखोगे, इट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, इट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट इज ए सेट, इसलिए जो ये वाली चीज हमारे पास होगी, ये वाली चीज हमारे पास क्या होगी, सेट होगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट आपसे क्या कहता है, सेकेंड पार्ट, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। मैंने आपको समझाया था ये जो गुड वर्ड हमारे पास है वो वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि गुड का मतलब हमें नहीं पता कौन से गुड की बात कर रहा है ना, कि अंडर 19 की बात कर रहा है ना, वो जो नेशनल टीम है उसकी बात कर रहा है, जिसने वर्ल्ड कप में अच्छा खेला उसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ये वाली चीज वेल डिफाइंड नहीं है। तो आप लिखेंगे गुड वर्ड इज नॉट वेल डिफाइंड, जो गुड वर्ड है वो बिल्कुल भी वेल डिफाइंड नहीं है, और अगर ये वाली चीज वेल डिफाइंड नहीं है सो दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट, इसलिए जो ये वाली कलेक्शन है ये वाली कलेक्शन बिल्कुल भी सेट नहीं होगी। ठीक है ना, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया का मतलब क्या है, जो गुड हॉकी प्लेयर्स है ये वाला जो वर्ड है वो बिल्कुल भी वेल डिफाइंड नहीं है, अगर ये वाला वर्ड वेल डिफाइंड नहीं है तो इसका मतलब इसकी कलेक्शन जो होगी वो क्या नहीं बनाएगी, सेट नहीं बनाएगी। इसका मतलब ये नहीं है हमें नहीं पता कौन से गुड प्लेयर्स की वो बात कर रहा है। उसके बाद तीसरे पार्ट हमारे पास है, द कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्संस इन इंडिया, द कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्सन इन इंडिया। अब ऑब्वियस ही बात है जिन लोगों का डेटा गवर्नमेंट के पास है, जो लोग इनकम टैक्स पे करते हैं उनके बारे में तो हम बता सकते हैं, जैसे अनिल अंबानी है हमें पता है बहुत रिचेस्ट पर्सन है ना, ऐसे ही विजय माल्या जो भाग चुका है इंडिया से वो भी किसी समय में रिच पर्सन था, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारी गली में कोई बंदा है उसने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं भरता, उसने सारा का सारा जो धन है वो अपनी जमीन में कहीं दबा रखा है, तो हम उसको देख के थोड़ी बता सकते हैं इसने अपने घर में धन जो है वो दबा रखा है कि नहीं दबा रखा। तो कहने का मतलब है किसी भी बंदे को देख के हम ये नहीं बता सकते कि वो बंदा रिच पर्सन है या नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे रिच पर्सन जो है बहुत सादगी भरी जिंदगी जीते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो रिच वर्ड है आप क्या लिखोगे, रिच वर्ड इज नॉट वेल डिफाइंड, जो रिच वर्ड हमारे पास है रिच वर्ड बिल्कुल भी वेल डिफाइंड नहीं है, सो दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट, इसलिए जो ये वाली कलेक्शन है ये वाली कलेक्शन आपके पास सेट नहीं होगी। आपके पेपर में आएगा तो आपको उसको ऐसे लिख के दिखाना पड़ेगा। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास है फोर्थ पार्ट में आपसे क्या कहता है, फोर्थ पार्ट में आपसे कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 1000, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 1000, 1000 से छोटे सारे नेचुरल नंबर। अब आपको मालूम है 1000 से छोटे सारे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1, 2, 3 से लेकर कहां तक जाएगा, 999 तक। अगर मैं इसके पीछे से कोई भी एक नंबर उठाऊंगा तो मैं देख के बता सकता हूं कि ये वाला नेचुरल नंबर जो है वो 1000 से छोटा है या नहीं है। कहने का मतलब मैं बता सकता हूं कि वो नंबर इस कलेक्शन का पार्ट होगा या नहीं होगा, है ना। तो आप क्या लिखोगे, सो दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, ये वाली जो कलेक्शन हमारे पास है दिस कलेक्शन इज
वेल डिफाइंड है ना, ये वाली कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड है, सो इट इज ए सेट, इसलिए जो ये वाली चीज है वो क्या है, सेट है। उसके बाद लास्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑड इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स। अब आपको मालूम है ऑड इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो दो से डिविजिबल नहीं होते, कहने का मतलब 1, 3, 5, 7, 9 डैश डैश, इसको लिखेंगे -1, इसको लिखेंगे -3, इसको लिखेंगे -5, इसको लिखेंगे -7, ऐसे होगा। तो कहने का मतलब ये सारे वो इंटीजर हैं जो दो से डिविजिबल नहीं होते। अगर मैं इस कलेक्शन में से कोई भी इंटीजर को बाहर निकाल लूं तो मैं उसको दो से डिवाइड करके देख सकता हूं, अगर वो डिविजिबल हो गया तो ओड नहीं होगा, और अगर वो डिविजिबल नहीं होगा तो ओड होगा, और डिविजिबल हो गया तो इवन होगा। इसका मतलब मैं बता सकता हूं, है ना। तो इसका मतलब आप लिखोगे दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, ये वाली जो कलेक्शन हमारे पास है, ये वाली कलेक्शन हमारे पास क्या है, वेल डिफाइंड है, सो इट विल फॉर्म अ सेट, इसलिए ये वाली जो कलेक्शन है, ये वाली कलेक्शन हमारे पास सेट बनाएगी, ठीक है ना। तो अगर हमारे पेपर में क्वेश्चन आएगा तो हम अपने पेपर वाले क्वेश्चन को इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। एक नंबर का कई बार आपसे पूछ लेता है और आपको बताना होता है, तो आप पहले उसको बताओगे कि ये वाला वर्ड वेल डिफाइंड है, इसकी वजह से सेट है, और ये वाली चीज वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये वाली चीज क्या नहीं बनाएगी, सेट नहीं बनाएगी, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वाली चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट चलते आगे, देखिए नेक्स्ट लिखे आगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। अगर मुझे किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करना है तो किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास क्या तरीके हैं, हमारे पास किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है, दोनों को बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है जी। आप लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। अगर हम लोग किसी भी एक सेट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास कितने तरीके होंगे, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। सबसे पहली चीज है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है रोस्टर फॉर्म, या फिर हम उसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। ये जो रोस्टर फॉर्म है और जो ये टेबुलर फॉर्म है, इस रोस्टर और टेबुलर फॉर्म का जो मतलब है वो क्या होता है, हम लोगों को उसको देखना है, ठीक है जी। तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म का मतलब क्या होता है, आपसे कहते हैं ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट सेपरेटेड बाय कॉमास आर पुट इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट्स। एक सेट में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन सारे एलिमेंट्स को कॉमास लगा के हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में लिख देते हैं, और उन्हीं दो चीजों का ध्यान रखते हैं कि एक एलिमेंट सिर्फ एक ही बार आना चाहिए, और आगे पीछे कैसे मर्जी करके लिख लो, बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 30। आपसे कहते हैं 30 के जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे उन सारे के सारे पॉजिटिव डिवाइजर्स का कलेक्शन, ठीक है। तो आपसे कहते हैं आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आपको मालूम है पॉजिटिव इंटीजर वो होते हैं जो सारे जीरो से बड़े होते हैं, तो जीरो से बड़े कौन कौन से इंटीजर है, 1 से स्टार्ट होता है, 130 को डिवाइड करता है, 230 को डिवाइड करता है, 3 भी 30 को डिवाइड करता है, 4 नहीं करता, 5 करता है ना, उसके बाद 6 करेगा, 7 नहीं करेगा, 8 भी नहीं करेगा, 9 भी नहीं करेगा, 10 करेगा, 11 नहीं करता, 12, 13, 14, फिर कौन करेगा, 15, 16 नहीं करेगा, 17, 18, 19, 20, कोई भी नहीं करेगा, इसके बाद लास्ट में कौन करेगा, 30 करेगा। तो हमने क्या किया, इसके बीच में जितने भी एलिमेंट्स आते थे उन सारे के सारे एलिमेंट्स को कॉमास लगा के कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में पुट कर दिया। दो चीजों का ध्यान रखना है, आगे पीछे कैसे मर्जी करके लिख लो, लेकिन जो एक एलिमेंट है उसको एक ही बार लिखना है, ठीक है। जैसे आपसे कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स MATHEMATICS, मैथमेटिक्स में जितने भी लेटर्स हैं आप उन सारे लेटर्स को इकट्ठा करके और उसकी कलेक्शन बताओ
बनाओ और बताओ कि ये वाली जो चीज है वो सेट बनेगी या नहीं बनेगी। तो आप इसको क्या लिखोगे, बी, तो हमने उसके बीच में लिखा एम, उसके बीच में फिर क्या आया ए, फिर टी, फिर एच, उसके बाद ई, उसके बाद दोबारा से एम को नहीं लिखना, एक बार आ चुका, दोबारा से ए को नहीं लिखना, आ चुका, टी को दोबारा से नहीं लिखना, आ चुका, उसके बाद हमारे पास क्या है आई, फिर क्या है सी, और उसके बाद क्या है एस। इसको आप आगे पीछे करके कैसे मर्जी करके लिख सकते हैं, बस एक चीज का ध्यान रखना, ऑर्डर मैटर नहीं करता और एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आएगा। तो इस तरह की जो फॉर्म होती है, इस तरह की फॉर्म का नाम है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स को कॉमास लगा के करली ब्रैकेट्स के बीच में पुट कर देना, ठीक है जी। आगे लिखिए नेक्स्ट, सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड, ये सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड क्या होता है, देखिए आपसे क्या कहता है, आपसे कहता है सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। तो सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड का मतलब क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड जो है आप उसको इस तरह से समझ सकते हैं। आपने कभी किसी टीवी रिपोर्टर को किसी बड़े आदमी का इंटरव्यू लेते देखा है? आप कभी ध्यान से देखना, जो टीवी रिपोर्टर होता है उस टीवी रिपोर्टर के हाथ में एक छोटी सी डायरी होती है इस तरीके से। तो जब भी वो किसी बड़े आदमी का इंटरव्यू लेने के लिए जाता है तो बड़े आदमी जो इंटरव्यू उसको देता है, मतलब अगर वो कैमरामैन के साथ नहीं जाता है, वैसे ही कोई जानकारी जुटाने के लिए जाता है, तो उसको हार्डली 2 से 3 मिनट का समय देता है। जब वो उसके पास जाता है तो आपने कभी देखा होगा कि वो गाड़ी में बैठता है, शीशा खुलता है, रिपोर्टर जो उससे बात करनी शुरू कर देता है, उससे पूछता है हाँ जी नाम बताइए, कहते हैं नरेंद्र मोदी, आप कहाँ पैदा हुए, गुजरात में, आप क्या करते थे, चाय बेचते थे, फिर आपने क्या किया, मैंने वहां से गुजरात से इलेक्शन लड़ा, फिर मैं यहाँ से गुजरात में 5 बार जीता, उसके बाद क्या किया, फिर हमने प्रधानमंत्री के लिए इलेक्शन, मतलब वो आरएसएस ज्वाइन किया, उसके बाद फिर मैंने इलेक्शन लड़ा, फिर मैं प्रधानमंत्री बन गया, उसके बाद मैंने 5 साल जो है वो क्या किया, अपनी ड्यूटी पूरी की, उसके बाद 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में फिर से मुझे प्राइम मिनिस्टर चुना गया। आपका विजन क्या है, मैं अपनी मेहनत करके देश की सेवा करूंगा, ये 10 लाइनें वो बोलता है। अगले दिन जब यही वाली चीज न्यूज़पेपर में छपती है तो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में बड़े बड़े 5 पेज ऐसे छपे होते हैं, 5 नहीं तो कम से कम 3-4 तो छपे ही होते हैं, और यहाँ लिखा होगा मोदी है तो मुमकिन है, हमारे टीवी रिपोर्टर का नरेंद्र मोदी के साथ खास बातचीत, इतना बड़े बड़े शब्दों में तो वो लिखा होता है। उसके बाद खूब मिर्च मसाला लगा के भारत के युग पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने हमारे भारत को बहुत खूब तरक्की दिलवाई, उनका जन्म गुजरात में हुआ, जिस दिन उनका जन्म हुआ ऐसा लगने लगा कि धरती पे किसी बहुत बड़े आदमी ने जन्म ले लिया है, उसी चीज को पूरा ऐसे कर करते मिर्च मसाले लगा लगा के उसके अंदर 4 पेज भरे होते हैं, 4 पेज भरे होते हैं, है ना। अगर मैं अकेली ये 10 लाइनें छाप दूं तो इन 10 लाइनों का मतलब भी वही होगा जो इन 4 पेजों का मतलब होगा। जो सेट बिल्डर फॉर्म हमारे पास होती है उस सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आपको पर्चे नहीं छापने हैं, आपको टीवी रिपोर्टर जैसा काम करना है, ठीक है। वो कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। कहने का मतलब है हम लोग सारे एलिमेंट्स लिखने की बजाय एक ऐसी चीज लिखेंगे जिसको वो फॉलो करती हो, वो सारा का सारा उसका मतलब भी वही होगा, और अगर आप सारे एलिमेंट्स को लिख दे उसका मतलब भी वही होगा। जैसे हमने ऐसा लिखा, मेरे पास कोई भी एक सेट ए है, आपने उस पर लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से लेकर 9999 ऐसे करके डाल दिया। अगर मैं इसको लिखने लगू तो 1 से लेकर 9999 तक आप लिखेंगे, इतना बड़ा लिखने के बजाय हम इसकी जगह एक प्रॉपर्टी लिखेंगे, उस प्रॉपर्टी को कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है वो चीज आपको बोलनी भी आनी चाहिए और आपको समझ में भी आनी चाहिए, ठीक है। हम क्या कहते हैं, ए में वो सारे एक्स आते हैं, ए में वो सारे एक्स आते हैं, उस पर कई किताबों में सिंबल ये लगा है और कई किताबों में सिंबल ये लगा है, इन दोनों के दोनों सिंबल का मतलब होता है सच दैट, है ना। हमारे वाले सेट में इस तरह के एलिमेंट आते हैं, इस तरह के एलिमेंट आते हैं, आप इन दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। हमारी किताब में जो है वो डॉट वाले सिंबल यूज किए हैं तो मैं इसको हटा देता हूं। इस सिंबल का मतलब क्या होता है, इस वाले सिंबल का मतलब होता है सच दैट, अभी मैं लिखवाऊंगा। ए में वो सारे एक्स आते हैं सच दैट, सबसे पहली चीज है एक्स कहां से शुरू होता है, 1 से, इसके बीच में कोई भी पॉइंट नहीं है, तो सीधी सी बात हम लिख सकते हैं एक्स
इसको बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। उसके बाद x का वैल्यू कितना है, 9999 तक है। या तो आप ऐसा लिख दो कि जो x है वो 10,000 से छोटा है। आपको मालूम है 10,000 और 999 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता, तो 10,000 से छोटा जो नेचुरल नंबर है वो 999 होगा, 9999। और कई लोग ऐसे नहीं लिखना चाहते, बोलते नहीं सर हम तो इसको बराबर लिखना चाहते हैं, तो आप इसको लिखेंगे लेस देन और इक्वल टू 999। ठीक है, बहुत सारे लोगों को इसका मतलब नहीं पता होगा, या पता है तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग इस सिंबल का यूज करते हैं, इस सिंबल का मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू, या तो लेस देन होगा और या फिर हमारे पास क्या होगा, इक्वल टू होगा, क्योंकि कोई भी चीज या तो लेस देन हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, इक्वल टू। जब मैंने ये लिखा 2, 5 से छोटा है, अब क्या तो बिल्कुल सही है। फिर मैंने लिखा 2 less than equal to 5, इसका मतलब क्या है, 2 की वैल्यू या तो 5 की वैल्यू से छोटी है या तो 5 की वैल्यू के बराबर है। ऑब्वियस सी बात है बराबर नहीं है, लेकिन छोटी तो है। फिर मैंने लिखा 3 और यहां पे लिखा 3 और इसके बीच में सिंबल डाल दिया लेस देन इक्वल टू का, इसका मतलब क्या है, 3 is less than or equal to 3। तो 3 is less than or equal to 3 का मतलब क्या है, 3 का वैल्यू या तो 3 के बराबर है या फिर 3 से छोटा है। अब आपको मालूम है 3 का वैल्यू 3 से छोटा तो होता नहीं, लेकिन बराबर तो होता है। तो कहने का मतलब है लेस देन और इक्वल टू। तो लेस देन और इक्वल टू का मतलब क्या है, या तो बराबर होगा या तो छोटा होगा। ठीक है जी, उसके बाद आपसे क्या कहता है, देखो फिर आपसे क्या कहता है, जब हम लोगों ने इसके बारे में ये लिखा ए में वो सारे एक्स आते हैं सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जब मैंने यहां पे लिख दिया एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ऑब्वियस सी बात है एक्स का वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। जब मैं लिखता हूं x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 9999 है, तो इसका मतलब x का वैल्यू या तो 9999 है या तो उससे छोटा है। तो इसका मतलब 1 और 9999 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर आ रहे हैं वो सारे लिखने हैं। तो ऊपर वही सारे तो लिखे हुए हैं, है कि नहीं है, सही है ना। इसको पढ़ना आना चाहिए। इसको कैसे पढ़ते हैं, ए में वो सारे एक्स आते हैं। मैंने क्या बोला, ए में वो सारे एक्स आते हैं सच दैट x belongs to natural number and the value of x is less than or equal to 999। ठीक है जी, और देखते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा b, उसके बीच में लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ऐसे करके लिख दिया। अब आपसे कहता है आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। आप क्या लिखोगे, b में वो सारे x आते हैं, b में वो सारे x आते हैं सच दैट, जो x हमारे पास है अगर मैं इसको ध्यान से देखूंगा तो हमेशा और हमेशा मेरे पास 2 का मल्टीपल आ रहा है। पहले 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा, फिर 6 आ रहा, फिर 8 आ रहा, फिर 10 आ रहा, फिर 12 आ रहा, फिर 20 आ रहा। इस तरह जब भी मैं देखूंगा तो x की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आती है, 2n के बराबर आती है। ठीक है, अगर मैं n को 1 लगा दूं तो 2 मिलेगा, 2 लगा दूं तो 4 मिलेगा, 3 लगा दूं तो 6 मिलेगा, 4 लगा दूं तो 8 मिलेगा, 5 लगाऊंगा तो 10 मिलेगा, और अगर मैंने 10 लगा दिया तो मुझे क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। इसका मतलब n क्या है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और n की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 है। जब यहां पे मैं कॉमा लगा रहा हूं, यहां पे कॉमा लगाने का मतलब एंड होता है ना। अगर मैंने कहीं पे भी कॉमा लगाया तो ये कॉमा किसको रिप्रेजेंट करता है, एंड को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है x 2n के बराबर है, n नेचुरल नंबर है और n का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो जो नीचे वाली लाइन है, चाहे आप ये लिख दो और चाहे आप ऊपर वाला सब कुछ लिख दो, बात एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में। ठीक है जी, चलिए तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, है ना, इसमें ए में वो सारे x आते हैं सच दैट x follows property px, जो x है वो px वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करता है ना। ये जो सेमी कॉर्नर वाला सिंगल है इसको हम लोग लिखते हैं सच दैट, ए में वो सारे x आते हैं सच दैट x follows the property px, जो x है वो px की प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है जी, एक्सरसाइज में चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अभी एक एक नंबर वाले क्वेश्चन का वेटेज बढ़ चुका है, तो मे भी हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन हमारे से पेपर में एक नंबर का पूछ लिया जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारी बुक में क्या कहता है। हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है और क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे कहता है कुछ सेट लिखें, आप उन सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाएंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म में वो सेट कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है जी, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट में आपसे कहता है ए, उस ए के बीच में लिखा है 2, 4, 6, 8, ... ऐसे करके लिखा है। तो आपसे कहता है आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, कि सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा ध्यान लगाऊं तो देखने से मुझे पता लगता है सारे के सारे नंबर जो है
सारे के सारे नंबर हमारे पास दो के क्या है, मल्टीपल है। तो जब हम लोग लिखेंगे तो आप क्या लिखोगे, ए में वो सारे एक्स आते हैं सच दैट एक्स इज इक्वल टू, और ध्यान से देखो तो एपी भी है, आप एपी के अन्य टर्म निकाल के लिख सकते हो, 2 प्लस एन माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना आएगा 2। पढ़ा था ना एपी हमने 11th क्लास में, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आप इसको लिखोगे 2 प्लस का 2n माइनस 2, इसको कैंसिल कर दिया तो क्या आएगा 2n। आप इसमें लिख देना a में वो सारे x आते हैं सच दैट x किसके बराबर है 2n के, और जो n हमारे पास है वो क्या है नेचुरल नंबर है, कहां तक जाता है नहीं पता। अगर मैंने 1 लगा दिया तो 2 आ जाएगा, 2 लगा दिया तो 4 आ जाएगा, 3 लगा दिया तो 6 आ जाएगा, ठीक है, 5 लगा दिया तो 10 आ जाएगा, है ना, ऐसे ही 6 लगा दिया तो 12 आ जाएगा, और फिर 7 लगाएंगे तो 14 आ जाएगा, इस तरीके से हमारे पास ये चलता रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चले आगे, नेक्स्ट देखिए सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपसे क्या कहता है, हमारे पास लिखा है 6, 10, 14 और 18, 6, 10, 14 और 18। आपसे कहता है आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में इसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है जी, करें स्टार्ट। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो आपको देखिएगा ये वाली चारों की चारों टर्म्स किसमें है, एपी में है, इसमें 4 का डिफरेंस है, इसमें भी 4 का डिफरेंस है, इसमें भी 4 का डिफरेंस है, तो आप पहले टर्म निकाल लो, क्या लिखोगे 6 प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू कितना था 10 माइनस 6, तो 10 माइनस 6 का मतलब कितना होता है 4, तो लिख सकते हैं 6 प्लस का 4n माइनस 4, इसको लिखेंगे 4n प्लस का 2, तो आप लिखेंगे बी में वो सारे एक्स आते हैं सच दैट एक्स इज इक्वल टू 4n प्लस 2, जो x हमारे पास है वो 4n प्लस 2 के बराबर है, और n कहां से शुरू हो रहा है 1 से, जहां कह रहा है 4 तक, तो आप लिख देना n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और n का वैल्यू 4 या 4 से छोटा है ना, इनफैक्ट 4 के बराबर ही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 1 से शुरू होकर 4 तक जाता है। अगर आप इसमें 1 लगा दोगे तो 6 मिल जाएगा, 2 लगा देंगे तो 10 मिल जाएगा, 3 लगा देंगे तो 14 मिल जाएगा, और 4 लगा देंगे तो कितना मिल जाएगा 18 मिल जाएगा, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपसे क्या कहता है, थर्ड पार्ट में आपसे कहता है 0, 3, 6, 9 और 12, ऐसे लिखा है, उसके बाद डैश 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 छोड़ा है, 0, 3, 6, 9, 12 डैश डैश डैश। अगर मैं इसको ध्यान से देखूंगा तो आप बोलोगे इसमें सारे 3 के मल्टीपल है, अगेन हम लोग इसकी एन टर्म निकालेंगे तो 0 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, तो ये कितना, या आप इसको सीधा ही ऐसे लिख दो ना, क्यों तंग हो, हाँ लिखना है तो ऐसे भी लिख लो, 0 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 3n माइनस 3, तो आप लिख देना सी में वो सारे x आते हैं सच दैट x इज इक्वल टू 3n माइनस 3, और जो n हमारे पास है वो किसको बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, क्योंकि अगर मैं n की जहां पे 1 लगा दूंगा तो 0 हो जाएगा, 2 लगाने से 3 हो जाएगा, 3 लगाने से हमारे पास 6 हो जाएगा, 4 लगाने से 9 आ जाएगा, और 5 लगाने से हमारे पास कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। कई किताबों में इसको ऐसे भी लिखा है कि c में वो सारे x आते हैं सच दैट x इज इक्वल टू 3n, अब n की जहां 0 लगाएंगे तो 0 मिलेगा, इसका मतलब n किसको बिलोंग करेगा w को, आपको मालूम है होल नंबर में जो 0 है वो भी आते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से हमारे पास सब कुछ चलता चला जाता है, ठीक है जी, समझ में आ गया आप लोगों को, चाहे ऊपर वाला लिख लो चाहे नीचे वाला लिख लो, दोनों का मतलब सेम है, दोनों से आपको सेम ही नंबर मिलेंगे, ठीक है जी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट। हर बार एपी बनेगा ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, कुछ और रूल भी बन सकता है, वो रूल आपको पहचानना है और आपको ध्यान से लिखना है, ठीक है। जैसे हमारे पास फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में आपसे क्या कहता है, फोर्थ पार्ट में आपसे कहता है डी लिख लेते हैं 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 और 1/64, ऐसे लिखे ना, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 और 1/64, तो आपसे कहता बताइए इसको कैसे लिखेंगे। आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा इन सब फ्रैक्शन का जो न्यूमिनेटर है वो सबका कितना है 1 है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, डी में वो सारे एक्स आते हैं सच दैट एक्स इज इक्वल टू, न्यूमिनेटर में हमारे पास 1 है, अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूंगा तो ये 2 स्क्वायर है,
इसकी बात करूंगा, 2 क्यूब है, ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 5 है, और ये 2 की पावर कितना है, 6। तो हम लिख सकते हैं 1 बाय 2 रेस टू पावर n। फिर आप क्या लिखोगे, n किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को, लेकिन आप देखते हो इसमें 2 रेस टू पावर 1 तो है ही नहीं, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, n का वैल्यू 2 से लेकर 6 के बीच में है। पहले मैंने 2 लगाऊंगा तो 1 बाय 4 मिलेगा, 3 लगाऊंगा तो 1 बाय 8 मिलेगा, 4 लगाऊंगा तो 1 बाय 16 मिलेगा, 5 लगाऊंगा तो 1 बाय 32 मिलेगा, और 6 लगाऊंगा तो 1 बाय 64 मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है डी में वो सारे x आते हैं सच दैट x इज इक्वल टू 1 बाय 2 रेस टू पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n लाइज बिटवीन 2 एंड 6। जो n हमारे पास है उसका वैल्यू 2 से लेकर 6 के बीच में लाई करता है। ठीक है, जो n हमारे पास होगा वो 2 से लेकर 6 के बीच में लाई करेगा। उसके बाद चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट थोड़ा ध्यान से देखना, सबसे ज्यादा यही पेपर में पूछा जाता है। E हमारे पास लिखा है 1 बाय 2, फिर लिखा है 2 बाय 3, फिर लिखा है 3 बाय 4, 4 बाय 5, 5 बाय 6 और 6 बाय 7। आपसे कहता है आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूंगा तो ध्यान से देख के बताइए क्या रूल आपको इसके बीच में नजर आ रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, ई में वो सारे एक्स आते हैं, E में वो सारे x आते हैं सच दैट जो ऊपर लिखा है उसे एक फालतू नीचे लिखा है, जो ऊपर लिखा है उसे एक नीचे फालतू लिखा है। अगर ऊपर 3 है तो नीचे 4 है, ऊपर 4 है तो नीचे 5 है, ऊपर 5 है तो नीचे 6 है, और अगर ऊपर 6 है तो नीचे क्या है, 7 है। इसका मतलब E में वो सारे x आते हैं सच दैट x इज इक्वल टू n बाय n प्लस 1। ऐसे है ना, जो x है वो किसके बराबर है, n बाय n प्लस 1 के बराबर है। जो n हमारे पास है वो किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को, इसका मतलब 1 से शुरू होता है। जब इसमें 1 लगा दूंगा तो मेरे पास कितना बनेगा, 1 बाय 2, सेम टू सेम आएगा। जब हम 2 लगाएंगे तो कितना आएगा, 2 बाय 3। जब हम 3 लगाएंगे तो कितना आएगा, 3 बाय 4। जब हम 4 लगाएंगे तो कितना आएगा, 4 बाय 5। 5 लगाने से 5 बाय 6 और 6 लगाने से 6 बाय 7। इसका मतलब n की वैल्यू कहां तक जाएगी, n की वैल्यू हमारे पास 6 तक जाएगी। तो e में हमारे पास वो सारे x आते हैं सच दैट x इज इक्वल टू n बाय n प्लस 1। जो x हमारे पास है वो n बाय n प्लस 1 के बराबर है, और अगर x n बाय n प्लस 1 के बराबर है तो हम ऐसा लिख सकते हैं n belongs to natural number और n is less than or equal to 6। ठीक है, क्योंकि n का वैल्यू जो है वो 1 से लेकर 6 तक जा रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास एग्जांपल में भी हैं, आप उनको अच्छे से ट्राई करना, या तो आपके पास AP बनेगा या फिर आप थोड़ा सा अच्छे से दिमाग लाएंगे तो आपको देखने से पता लग जाएगा कि कौन सा जो रूल है, जिस वो नंबर जो है वो किसी ना किसी रूल को पक्का फॉलो करने वाले हैं, तो उस रूल को आपको यहां पे लिख देना है। इस चीज का आपको एक नंबर पेपर में मिलेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए, लिखिए एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट, तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, आप लिखिए एम्प्टी सेट, फिर हमारे पास आता है नल सेट, और फिर हमारे पास आता है वॉइड सेट। नाम अलग अलग है लेकिन एक ही चीज है, तीनों एक ही चीज है, नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। आपसे कहता है नाम इंडिकेट करता है, ए सेट कंटेनिंग नन ऑफ द एलिमेंट, ए सेट कंटेनिंग नन ऑफ एलिमेंट्स, एक ऐसा सेट जो किसी भी एलिमेंट को कंटेन नहीं करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं कैसे, खाली ऐसे सेट बना के और या फिर ऐसे फाई लगा के। खाली या तो सेट होगा और या फिर हमारे पास क्या होगा, फाई होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपसे कहते हैं ए में वो सारे एक्स आते हैं, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, और x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करता है। आपसे बोलता है x हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है, 2 और 3 के बीच में लाई करता है। अब आपको मालूम है 2 और 3 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है ना, 2 और 3 के बीच में नेचुरल नंबर थोड़ी होता, क्योंकि वो तो पॉइंटों वाले होंगे और पॉइंट वाला नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। इसका जो a है वो बिल्कुल खाली है, तो आप या तो ऐसे बनाएंगे और या फिर आप ऐसे डाल देंगे। ठीक है, जैसे फिर आपसे कहता है बी, बी में वो सारे एक्स आते हैं सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और एक्स स्क्वायर प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपसे कहता है ये बताओ इस सेट के अंदर क्या होगा, जो एलिमेंट को लिख के दिखा दो। तो लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, लेकिन
this is not possible for any x belongs to R. किसी भी रियल नंबर का स्केयर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना. अगर आप जीरो का भी स्केयर करें तो जीरो आता है, नेगेटिव का स्केयर करें पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव का स्केयर करें पॉजिटिव आता है, तो नेगेटिव तो कभी आता ही नहीं है. तो किसी भी रियल नंबर का स्केयर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए जो बी है वो बिल्कुल और बिल्कुल खाली होगा, और या फिर हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, बहुत सारे लोग बोलते हैं बताओ, अब बोलोगे ये वाली चीज जो है ये वाली चीज नल सेट नहीं है, क्योंकि नल सेट का मतलब बिल्कुल खाली होना चाहिए. इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसा सेट है जिसके बीच में जीरो एलिमेंट आ रहा. कई लोग ऐसे भी लिख देते हैं और आपसे पूछते हैं बताओ, तो आप लिखोगे इट इज नॉट अ नल सेट. जो ये वाली चीज है ये भी नल सेट नहीं है, क्योंकि फाई जो है वो इस सेट का क्या है, एलिमेंट है. तो आप इसको इस चीज का ध्यान रखेंगे, जब भी आप नल सेट को लिखोगे तो नल सेट को या तो खाली ब्रैकेट्स बनाओगे या फिर आप फाई का सिंबल बनाओगे. ठीक है जी, चले आगे. चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ. क्वेश्चन नंबर तीन में आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर तीन में कहता है हमारे पास कुछ एक सेट है, उन सेट का सेट बिल्डर फॉर्म लिखा है, उस सेट बिल्डर फॉर्म को आपको सारे एलिमेंट्स जो है उसको लिख के दिखाना है, सारे एलिमेंट्स किस फॉर्म में आएंगे. ठीक है जी, जैसे आपसे कहता है थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, उसमें आपसे कहता है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 and 45. जो 30 और 45 के कॉमन फैक्टर्स है आप उनको लिख के दिखाइए क्या आएगा. ठीक है, तो जब हम लोग 30 के कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1, 2, 3, 5, 6, उसे और कौन डिवाइड करता है, 10, फिर 15 और फिर 30. ये वो सारे नंबर हैं जो 30 को डिवाइड करते हैं. ऐसे आप 45 वाले लिख दीजिए, 1, 3, 5, 6 नहीं जाएगा, 7 भी नहीं जाएगा, 9 जाएगा, 10 नहीं जाएगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं जाएगा, 17 भी नहीं जाएगा, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, कुछ नहीं जाएगा, इसका सीधा 45 से जाएगा. ठीक है, अब आपसे क्या कहते हैं, इसकी कलेक्शन में वो सारे पॉजिटिव इंटीजर लिखो जो दोनों के कॉमन डिवाइजर हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. तो कॉमन डिवाइजर कौन दिख रहा, एक तो एक आ रहा है, फिर कौन दिख रहा, फिर तीन दिख रहा, फिर कौन दिख रहा है, पांच दिख रहा, उसके बाद कौन दिख रहा, उसके बाद 15 दिख रहा, इसके अलावा तो कोई और आ ही नहीं रहा, है ना. तो इसका मतलब जब आप ए को लिखोगे तो ए के बीच में हमारे पास क्या क्या आएगा, ए के बीच में एक आएगा, तीन आएगा, पांच आएगा और 15 आएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे 1, 3, 5 और 15. सही है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सी चीज थी. आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में आपसे क्या कहता है, सेकेंड पार्ट में आपसे कहता है सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स विच आर इवन. वो सारे प्राइम नंबर जो क्या होते हैं, इवन होते हैं. शुरू करते हैं, तो जब आप लोग लिखोगे तो आपको पता है इवन नंबर कहां से शुरू होते हैं, 2 से, तो 2 प्राइम है. उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, ये सारे नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं होते, 2 से डिविजिबल सिर्फ एक ही होगा, 2. तो सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है. ठीक है, तो इवन और प्राइम नंबर्स का जो सेट हमारे पास है, इवन और प्राइम नंबर्स का सेट हमारे पास सिंगलटन 2 आएगा, क्योंकि सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है. ठीक है जी, कर लेंगे इसको. उसका तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में देखो आपसे क्या कहता है, तीसरे पार्ट में आपसे कहता है सी का नाम देने दे दिया, इसमें बहुत सारे एक्स आते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कोमा एक्स इज इक्वल टू 3, ऐसे करके लिखा. ठीक है, अब आपसे क्या कहता है, मैंने आपको बताया था कोमा का मतलब क्या होता है एंड, हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स इज इक्वल टू 3. एंड का मतलब है दोनों चीजें होनी चाहिए, एक्स का स्केयर 4 के बराबर भी है और एक्स 3 के बराबर है. अगर एक्स 3 के बराबर है तो इसका वैल्यू पुट करो, 3 स्केयर इज इक्वल टू 4, 9 इज इक्वल टू 4, बिल्कुल भी नहीं होता. इसका मतलब अगर एक्स का स्केयर 4 के बराबर है तो एक्स की वैल्यू कदाचित भी 3 नहीं हो सकती. इसका मतलब हमारे पास कोई भी ऐसा एक्स नहीं है जिसमें स्केयर करने से 4 मिले और उसका वैल्यू 3 हो. इसका मतलब जो सी हमारे पास है, सी हमारे पास एम्प्टी सेट है. एम्प्टी सेट को या तो हम खाली सेट से रिप्रेजेंट करेंगे और या फिर जो है वो फाई का निशान बना देंगे. ठीक है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको फाई बोलते हैं, फाई, एफ आई ई, ऐसे पी एच आई भी लिखते हैं,
मैं इसको एफ आई लिखता हूं, फाई होता है, फाई का मतलब जिसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है। आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखो, फोर्थ पार्ट में आपसे क्या कहता है, मैंने आपसे पहले बताया था जब मैं सिलेबस शुरू किया था तो मैंने आपसे बोला था डेफिनेशंस बहुत मैटर करेगा, डेफिनेशन अच्छे से समझ लेना, आधे से ज्यादा मैथ अपने आप से हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में आपसे कहता है डी में वो सारे एक्स आते हैं सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, फिर आपसे क्या कहता है एक्स का स्केयर इज इक्वल टू 9 एंड 2x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो पिछले बार की तरह है, इसको करके देख लेते हैं। एक्स का स्केयर 9 के बराबर एंड 2x इज इक्वल टू 4, तो एक्स का वैल्यू 4/2, इसको कैंसिल कर देंगे तो एक्स का वैल्यू 2 आ जाएगा। इस वाली वैल्यू को 2 लगा देंगे तो 2 का स्केयर किसके बराबर आएगा 9, तो 4 कभी भी 9 के बराबर नहीं होता। इसका मतलब हमारे पास ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका स्केयर करने से 9 मिले और 2x जो है वो 4 के बराबर आ जाए। तो सीधी सी बात है डी जो है उसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो जी हमारे पास होगा, डी हमारे पास एम्प्टी सेट होगा। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपसे क्या कहता है, फिफ्थ पार्ट में नाम ले देता हूं मैं ई का, ई में वो सारे एक्स आते हैं एक्स इज एन इंटीजर, एक्स जो है वो क्या है इंटीजर है, 6x का स्केयर प्लस का 5x माइनस 4 इक्वल टू 0, जो x है वो एक इंटीजर है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब आप लोगों को मालूम है इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी ऐसी इक्वेशन हम लोगों ने 10th क्लास में बहुत सॉल्व किया है, तो हम इसको लिख देंगे। क्या लिखेंगे, दिस विल बी 6x का स्केयर प्लस का 5x और माइनस 4 इक्वल टू 0, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, है ना, 6 मल्टीप्लाई माइनस 4 दिस इज माइनस 24, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिखते हैं, आपको मालूम है 8 और 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6x का स्केयर प्लस का 8x माइनस का 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0। आपको मालूम है हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिख दिया, 8x में से अगर मैंने 3x को घटा दिया तो 8 में से 3 को घटा के 5 मिलता है, और अगर मैं गुना करूंगा तो माइनस का 24 मिलेगा। ठीक है जी, अब इन दोनों के बीच में से कॉमन निकाल लीजिए, हमने इसके बीच में से 2x को कॉमन निकाल लिया तो बीच में बचेगा 3x प्लस का 4, इसमें से माइनस 1 को कॉमन निकालेंगे तो 3x प्लस का 4 इक्वल टू 0, इसको लिखेंगे 3x प्लस का 4 और ये हमारे पास होगा 2x माइनस 1 बराबर 0, तो इसको लिख देंगे 3x प्लस का 4 बराबर 0, 2x माइनस 1 बराबर 0, सो 3x विल बी माइनस 4, x विल बी माइनस 4/3, 2x will be 1, x will be 1/2, आपको मालूम है, तो x का वैल्यू माइनस 4/3 इसको सेटिस्फाई करता है और x का वैल्यू 1/2 जो है वो इसको सेटिस्फाई करता है। अब आपको मालूम है ना तो ये इंटीजर होता और ना ही ये वाली चीज इंटीजर होती, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करता हो, इसको दो ही चीजें सेटिस्फाई करेंगी क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके रूट भी कितने होंगे 2 होंगे, तो एक माइनस 4/3 आएगा, एक 1/2 आएगा, तो इसके बीच में कुछ भी ऐसा नहीं आता है। तो इसका जो e हमारे पास है वो कैसा है, एम्प्टी सेट है। एम्प्टी का मतलब क्या है, दो खाली ब्रैकेट्स होंगे या फिर हम लोग फाई का सिंबल बना देंगे। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए क्या कहता है। सिक्स्थ पार्ट में देखा आपसे क्या कहता है, सिक्स्थ पार्ट में देखिए, सिक्स्थ पार्ट में आपसे क्या कहता है, सिक्स्थ पार्ट में आपसे कहता है एफ नाम दे देते हैं, इसमें वो सारे एक्स आते हैं सच दैट 4x माइनस 15 लेस देन 29 एंड द वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो आपसे कहते हैं बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 4x माइनस 15 लेस देन 29 ऐसा बनेगा, ये माइनस का 15 उधर जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 4x लेस देन 29 और प्लस का 15 ऐसा बन जाएगा, तो आप इसको लिखोगे 4x is less than 44, so x is less than 44/4, इसको कैंसिल करेंगे 11, तो आपको मालूम है 11 से छोटे नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये सारे के सारे जो नंबर्स है, ये सारे के सारे नंबर जो है वो नेचुरल नंबर हैं और नेचुरल नंबर के साथ साथ 11 से छोटे हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, सेवंथ पार्ट में आपसे क्या कहता है, उसके बाद आता है जी, जी में
वो सारे एक्स आते हैं, एक्स क्या है इंटीजर है, और माइनस वन बाय टू एक्स लेस देन नाइन बाय टू ऐसे कहता है। तो जब हम लोग इसकी बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसा है ये माइनस वन है, ये जीरो, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, जो ये वाली चीज है वो ये है माइनस का वन बाय टू, और जो नाइन बाय टू है वो आपको मालूम है 4.5 है, तो ये नाइन बाय टू है। अब इसके बीच में कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं, अगर मैं इसको ध्यान से लिखूंगा तो इसके बीच में जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, तो इसके बीच के जो एलिमेंट है वो जीरो, वन, टू, थ्री और फोर आ रहा। उसके बाद हमारे पास एट पार्ट है, एट पार्ट में आपसे क्या कहता है एच, इसमें वो सारे एक्स आते हैं, एक्स क्या है इंटीजर है, एंड एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या है 30 है, सॉरी एक्स स्क्वायर लेस देन क्या है 20 है। तो आप फटाफट से देख सकते हो इंटीजर क्या होते हैं, माइनस फाइव, माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। अब इससे से वो इंटीजर छाट लो जिसका स्केयर करके 20 से छोटा मिलता है, तो आप लिख सकते हो माइनस पांच लिखोगे उसका स्केयर करके 25 मिलेगा, 20 से छोटा नहीं होता। माइनस चार का स्केयर 16 होता है, 20 से छोटा है। माइनस तीन का स्केयर, माइनस दो का स्केयर, माइनस एक का स्केयर, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर। तो ये वो सारे इंटीजर्स हैं जिनका स्केयर करके जो नंबर आएगा वो 20 से छोटा आएगा। ठीक है जी, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे और खत्म करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं।